हेलो गाइस, आज हम रिव्यू और इंस्टॉलेशन करने वाले हैं हरकुलिस साइकिल की, जो आज ही मेरे घर पहुंची है। उसका बॉक्स देख लीजिए कितना बड़ा है, और ये फ्यू चीज़ें इस बॉक्स पे लिखी हैं, जैसे इसका प्राइस है, कहाँ मेड है, लाइक मेड इन चाइना है, मैन्युफैक्चर किस दिन हुई है, तो बाकी इंफॉर्मेशन इस बॉक्स पे है। और अभी हम सोच रहे हैं इसे खोल के देखते हैं कि कैसे साइकिल है इस बॉक्स में। तो आई एम ओपनिंग द बॉक्स। काफ़ी हार्ड गत्ता लगा हुआ है इस बॉक्स का, पैकिंग बहुत अच्छी है, और बॉक्स में साइकिल आपको इस तरह दिखती है। और एक बॉक्स के अंदर एक बॉक्स मिला है मुझे, लेट्स सी इसमें क्या है। और इसमें एक्सेसरीज हैं साइकिल की, लाइक ये फ्रंट में लगता है, ये बैक में लगता है, लाइट रिफ्लेक्टर है ये, और ये गियर को पेडल्स हैं, और ये थोड़े बहुत टूल्स हैं जो बॉक्स में हैं। इसका देखते हैं कैसे यूज़ होता है। तो साइकिल को निकाल लेते हैं अभी, और साइकिल कुछ इस तरह से रखती है, थोड़ी अजीब सी लग रही है साइकिल देखने में भी, बट असेंबल करेंगे तो सब कुछ ठीक लगेगा। तो मैंने इसे आगे वाला पहिया जो था वो मैंने साइड कर लिया है। तो सबसे पहले इसका हैंडल कॉन्फ़िगर करते हैं। तो हैंडल कॉन्फ़िगर करने के लिए ये बॉक्स के अंदर टूल था, इससे हम ओपन कर लेंगे स्क्रू को, और चारों जो ये नट हैं इसको लूज़ करने के बाद ये हैंडल इसमें हम लगा लेंगे। जिस तरह से देखो मैंने ये ओपन कर लिया है ये पार्ट, और तो इस हैंडल को अटैच करेंगे हम। तो हैंडल को आप ऐसे अटैच कीजिए कि जो वायर्स हैं वो ऐसे जंबल ना हो जाए, बिल्कुल परफेक्टली। कोई कोई हैंडल कोई कोई लोग हैंडल उल्टा लगा देते हैं, तो फिर वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप देख लीजिए इस तरह से हैंडल की सेटिंग करनी है हमें। देखो मैंने हैंडल लगाया, ऊपर से नट बोल्ट एक हैं ये टाइट किए हैं, तो हैंडल अच्छे से लग गया है। और अब हम टायर भी मैंने साथ में ही लगा लिया था। तो टायर का कुछ नहीं है, टायर को बस आपको साइकिल को उठाना है और टायर के ऊपर रखना है इस तरह से। और ये जो डिस्क दिख रही है आपको, ये डिस्क जो है ये ब्लैक कलर का जो बॉक्स है, बॉक्स के अंदर जानी चाहिए डिस्क। ऐसे अंदर चली गई तो समझ लीजिए आपका टायर बिल्कुल एक्यूरेटली प्लेस हुआ है। तो इस तरह से देखिएगा, उसके बाद आप नट वगैरह इसको टाइट कर लीजिए, स्क्रू की मदद से हो जाएगा वो सब कुछ। तो ये कुछ डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है। यहाँ पे इसको ओपन करना है, इसको ओपन करके ये स्क्रू जो है साइड में ये लूज़ करना है, और ये सीट यहाँ पे फिट आ जाएगी आराम से। और हमारा बाकी हमारी साइकिल पूरी रेडी है, तो हम लोग इसको अनरैप करेंगे और फिर देखते हैं फाइनल टच। गाइज, मैंने अमेजोन से ऑर्डर किए थे ये मड गार्ड्स साइकिल के। इसका भी इंस्टॉलेशन बहुत ही ज़्यादा इजी है, आपको ये साइड से दोनों स्क्रूज ओपन करने हैं और इसको यहाँ पे लगाना है, और इसको थोड़ा सा ऊपर किया इस तरह से ये फिट हो जाएगा, नॉट अ बिग डील। और ये भी इजीली हो जाएगा, ये भी ऊपर लगेगा इसमें। ये जो आपको होल दिख रहा है यहाँ पर, इस पे ये क्लिप अटैच होगा और स्क्रू लगेगा, एंड दैट्स इट। इसको इंस्टॉल करके आपको मैं बताता हूँ। डिफ़िकल्ट टू शूट अ वीडियो विद अ सिंगल हैंड, सो इंस्टॉलेशन भी करना है, वीडियो भी बनाना है, तो आपको करने के बाद ही मैं अपलोड करूँगा। और गाइस, ये साइकिल रेडी होती है, पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस यहाँ ख़त्म होता है। मैंने यहाँ पर इंस्टॉल किया है एक्सेसरीज में ये मड गार्ड, फ्रंट वाला, बैक वाला मड गार्ड, और एक्स्ट्रा लाइट। सो दूर से आता हुआ कोई भी गाड़ी वाड़ी या ट्रैफिक में सब लोग आपको देख सकें आपकी साइकिल एग्जिस्ट करती है रोड पे इसके लिए। और बाकी तो कुछ एक्स्ट्रा मैंने इसमें ऐड ऑन नहीं किया, जस्ट ये व्यू है साइकिल का। तो थैंक्स, आपको इंस्टॉलेशन में थोड़ा इजी रहेगा ये वीडियो देख के। थैंक यू।